ठीक है प्यारे बच्चों, आपको हमें करानी है 3.2 के दो सवाल हो गए थे और तीसरा सवाल करना है 3.2 का तीसरा सवाल। लेकिन तीसरा सवाल करने से पहले एक फार्मूला हमें स्टडी करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ac। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तीन चीज़ें हैं, इनका होल स्क्वायर करने से इतना बड़ा जवाब आता है। सवाल ये कि ये कैसे आ गया इतना बड़ा जवाब, इसको पहले हम हल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। और अब इसको मल्टीप्लाई करना है पहले a के साथ वो वाली पूरी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद b के साथ पूरी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद सी के साथ पूरी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए को बी से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ए बी। ए को सी से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ए सी। अब बी को ऐसे दें ए बी, बी को बी से दें बी स्क्वायर, बी को सी से दें बी सी। आप सी को ऐसे दें ए सी, सी को बी से दें बी सी, सी को सी से दें सी स्क्वायर। सारी स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख ले रहे हैं, ये वाला ए स्क्वायर और कौन सा, ये वाला बी स्क्वायर और कौन सा, ये वाला सी स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख ली। उसके बाद ये क्या है, एक ए बी ये रहा और एक ए बी, दोनों मिलके कितने हो गए 2ab। एक bc ये रहा और एक bc कितने हो गए दोनों मिलके 2bc। और एक ac ये रहा और एक ac ये रहा, दोनों मिलके कितने हो गए। इस तरह से आपके सामने आ गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीन चीज़ें हों और उनका होल स्क्वायर हो तो उसका जवाब क्या होता है। पहले तीनों पे स्क्वायर करते हैं। देखिए मैंने तीनों पे क्या करा, अब इसको याद कैसे रखेंगे फार्मूले को, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हो तो इसको खोलते कैसे हैं, पहले तीनों पे क्या करते हैं, फिर ए बी के साथ दो, बी के साथ, बी सी के साथ दो और ए सी के साथ दो, 2ab 2bc और 2ac। इसको और थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने ए क्यों लिखा है, सी स्क्वायर। इसमें से कामन क्या निकल रहा है, टू कामन निकल रहा है, अंदर क्या बचा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो या तो फार्मूला ये होगा या आप अगर दो कामन निकाल लेंगे तो ये होगा। तो दूसरी सूरत इसकी ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का टू बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो जल्दी से उतार लें इसको स्पीड से, फार्मूला है ये आपका। ठीक है, ठीक है भाई, तीसरा सवाल है आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। और दी भी क्या है आपको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9 के और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है 13 के। तो ये आपको दिया हुआ है दो, और मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे, हमको दिया हुआ क्या है, ए
प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, हम दोनों जानिब करेंगे स्क्वायर, लिख के करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर दोबारा लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, 9 के, इस तरफ भी क्या कर दीजिए स्क्वायर और इस तरफ भी क्या कर दीजिए। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी का, इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये तो मैं इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अंदर क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस, ये तो इसका जवाब आ गया, बराबर का निशान है ऐसी, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब हमको कीमत इसकी मालूम करनी है, कीमत किसकी मालूम करनी है हमें, ए स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर की, इसकी कीमत मालूम करनी है, इसको ऐसी उतार लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखा ये क्या है 2, और ये क्या लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी कीमत क्या दी हुई है, इसकी कीमत दी गई है 13, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की कीमत 13 लिख दी मैंने, और ये 81 ए सी आ गया। अब हम आ गए सवाल में, यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 13 × 2 = 26 बराबर है किसके 81 के, प्लस का 26 को मान ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 81, ऐसे लिखा प्लस का 26 वहाँ जाके किसका हो गया माइनस का 26, इसको माइनस कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत क्या निकल गई, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 55। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 55। उतारिए आप पांचवे में लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि दिया हुआ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर दिया हुआ है 29 के, और क्या दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये किसके बराबर दिया हुआ है 10 के, ठीक है। ये सवाल नंबर 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, और दिया हुआ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 29 के, और ए बी बी सी और ए सी बराबर है 10 के। तो आप यही फार्मूला लेके चलें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब बताइए इसकी जगह क्या लिखूं, ए प्लस बी प्लस सी की जगह, इसकी जगह तो कुछ भी नहीं लिख सकते, इसकी तो वैल्यू इसको ऐसी उतार लिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर का साइन, इसकी जगह क्या लिखूं 29, सही है, इसकी जगह पर क्या आ गया प्लस का साइन, ऐसे ही 2 ऐसे ही, ये वाली पूरी चीज़ की जगह पे क्या आएगा 10, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं। अब ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 29 ऐसे ही, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 200, 2 को 10 से ज़रब देंगे जवाब क्या आएगा 20
ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20, 20 को 29 को ऐड कर लें क्या हो गया 49, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है किसके 49। अब इसका स्क्वायर वहाँ ले जाएं, जब स्क्वायर वहाँ जाता है तो क्या बन जाता है, पढ़ा आपने ये बात, स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाता है, भूलना नहीं ये बात। अब स्क्वायर जब भी वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पता है आपको, किसी को भी नहीं पता, वेरी गुड, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग भाई, इसका स्क्वायर रूट 7 होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 49 आए, आपको स्क्वायर रूट का नहीं पता स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 49 के लिए ऐसा नंबर नहीं पता आपको कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो ये आप जो है ना ये लिख लें यहाँ सारे और ये सब याद करें, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का 9, मैं ये स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121, 12 का 224, 24 नहीं 124, 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का पता नहीं क्या होता है, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, कम से कम ये 20 नंबर याद होने चाहिए आपको। 17 का स्क्वायर देखें क्या होता है कैलकुलेटर से, 17 सत्ते 49 229 होता है मेरा ख्याल है, ये 329 होता है, 17 7 सत्ते 49 21, देखें कितना आ रहा है 289 पक्का, 17 को 17 से दिया 289, ठीक है, तो ये आप कहीं उतार लीजिए और ये याद रखना है। अब कभी आ जाए 256 मैं बोलूँ इसका स्क्वायर रूट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए 16, किसी दिन 196 आ जाए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 14 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ये 20 नंबर तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलें ये मैंने सवाल कौन सा कराया आपको, पाँचवा, अब हम करने जा रहे हैं छठा सवाल, ठीक है भाई, अब ये है छठा सवाल, इसमें भी आपको क्या करना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है 0.9 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है 0.8 के, बिल्कुल वैसे सवाल है जैसे अभी हमने किया था। तो आप फार्मूला लिखना पहले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और प्लस का 2 बाहर निकाल के ए बी अंदर बी सी और प्लस का ए सी, अब वैल्यूज पुट करनी है, इसकी क्या वैल्यू दी गई है, इसकी तो वैल्यू मालूम करनी है, ये ऐसे लिख दिया बराबर का निशान, इसकी क्या वैल्यू दी गई है 0.9, प्लस का 2 ऐसे लिखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह क्या वैल्यू दी गई, ये मैंने 2 नहीं लगाया, देखें 2 लगाना पड़ेगा ना, अच्छा जी, अब मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ही 0.9 ऐसे आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 1.6, 2 अट्ठे 16 होते हैं, तो मैंने 16 लिखा और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, अब इनको जमा करो
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर है, इनको जमा करो, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1 2.5 सही है। अब इसका स्क्वायर मान ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वहाँ चला गया तो ये क्या बन गया वहाँ जाकर, रूट। आपके ख्याल में इसका रूट क्या निकलना चाहिए, 0.5। 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो अगर यहाँ पॉइंट होगा तो इसके बाद भी क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो आपके पास जवाब आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, 0.5 के। उतारिए और लगे हाथों हम आखिरी सवाल भी कर लेते हैं इसी फार्मूले का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी ए प्लस बी प्लस सी आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 10 के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर दिया है, और मालूम करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें भी वही फार्मूला लगा लीजिए, क्या है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2 और अंदर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब इसमें बताइए वैल्यू क्या पुट करें, इसकी जगह क्या लिखना है, 10। इसकी जगह क्या लिखना है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, की जगह क्या लिखना है, 20 लिखना है, इसकी जगह 20 लिख दिया, प्लस 2 ए सी आ गया, और ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी ऐसे आ गया, क्लियर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 10 का स्क्वायर क्या कर दिया, बराबर है 20 ए सी आ गया, प्लस 2 ए सी आ गया, और ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी ऐसे ही आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में ये वाला प्लस का 20 इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 20, 2 ऐसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऐसे ही, क्योंकि इसका तो हमें वैल्यू मालूम करनी है, 100 में से 20 निकाल दो, 80। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा, यह आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 2 को 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 40। तो वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की 40। ये आ गया आपके पास जवाब, उतार लीजिए।